everyone. Hello kids, how are you all? Welcome to this revision series of biology grade 10 CBSE board. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम जो है ऐसा क्या नया करेंगी, सारे वीडियोस तो हैं, रिवीजन तो कितनी बार हो चुका है, सिलेबस भी घट गया है. बट पॉइंट ये है कि सिलेबस तो हमारा रिड्यूस हो गया है, बट व्हाट आर द पैटर्न, व्हाट इज़ द पैटर्न बेसिकली, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से आप पेपर को इस बार पिछले साल के पेपर से वेरी कर सकोगे, कितना हमें पढ़ना है कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें. अगर सपोज हमारा सिलेबस इतना है और हमने इतनी पढ़ाई कर ली, सो व्हाट डू यू थिंक कि हमें कुछ लगता है कि हम कहीं मार्क्स लूज कर सकते हैं? से यस और नो. अगर बड़ा वाला पैकेट मैगी मिल जाए खाने को और भूख बस छोटे वाले पैकेट की है, तो आपका फिर मन करेगा क्या कि मैगी खाना है? मुझे तो मैगी बहुत पसंद है, मैं तो 10 रुपये वाली मैगी बनाती हूँ, उसमें मेरा चल जाता है एक टाइम का. सो सपोज अगर आपकी भूख 10 रुपये पैकेट वाली है, जो कि हमारा CBSE का चैप्टर नंबर 1 है, इज इक्वल टू 10 रुपीज़ मैगी पैकेट, और हमें अगर मेगा पैकेट मेगा पैक मिल जाता है, अगर हम उसका इतना रिवीजन कर लें, इतना ज़्यादा तरह के क्वेश्चंस लगाने ताकि हमें जो है कहीं से कुछ भी पूछ लिया तो उसमें हमको कोई डाउट नहीं होगा. ओके, सो ये जो सीरीज़ है इसमें हम बहुत सारे MCQs करेंगे, बहुत सारे assertion reason question करेंगे, सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. As everybody know that pandemic was there, it is there. So there are different changes in our lifestyle. So there is the change in the syllabus as well as pattern of the examination. So let us adapt this change. So सबसे पहला chapter जो हमारा सबसे soul of the biology है वो है life processes. ये chapter ही ऐसा chapter है जिससे हमें बहुत सारे questions आएंगे. Okay? बहुत सारे in the means weightage बहुत ज़्यादा है. दूसरी बात हो गई, सबसे पहला तो वेटेज हो गया, दूसरी बात हो गई डायग्राम्स तो इतने सारे हैं कि पूछो मत, और वो भी बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स हैं. हम खाना कैसे खाते हैं, हमारे पास कौन सा सिस्टम है, हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं उसमें हमारे पास कौन सा सिस्टम है, हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटीरियल है दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस, वो हमारी बॉडी से बाहर कैसे जाएगा, उसका भी एक सिस्टम है. सो दिस होल बॉडी इज मेड अप ऑफ सिस्टम, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेन सिस्टम, एंड कलेक्शन ऑफ ऑर्गेन सिस्टम इज नोन एज ऑर्गेनिज्म. सो आई एम ऑल्सो एन ऑर्गेनिज्म, होमोसेपियन, यू आर ऑल्सो. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, जो कि आपके पेपर का, आप समझ सकते हो कि पूरा पेपर ही बदल देगा. अगर आपने ये चैप्टर तैयार कर लिया तो 70% आप वैसे ही ईजिली गेन कर सकते हो एग्जाम में. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, आई होप इट इज विजिबल. लेट मी शिफ्ट माई IPO दिस साइड सो दैट वी कैन स्टार्ट प्रॉपरली. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. करते क्या है बच्चे, ओ जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखा, फटाक से ऑप्शंस पे गए, ऑप्शन टिक कर दिया. बट व्हेन यू विल नॉट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, हाउ यू विल गेट टू नो दैट व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग. समटाइम्स क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप जब मिस कर जाते हो तो उसका पूरा सेंस ही बदल जाता है, स्पेशली इन बायोलॉजी. बायोलॉजी इज टोटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट, सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. सो पहले मैं पढ़ूंगी क्वेश्चन, आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. ये तो नहीं है कि पूछ रहा है नाम और हम बता रहे हैं एड्रेस. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ऑन आर स्क्रीन इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज, किसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया. कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम और किसी भाषा में बोलना चाहें या इंग्लिश में ही बोल लें तो इसको कहेंगे फीचर. इम्पॉर्टेंट मतलब मेन हो गया. सो हमारी लाइफ में जो ये जो जिंदगी चल रही है आसपास, हमारी जिंदगी है, हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी एक लाइफ है, बिकॉज समथिंग दैट इज लिविंग, समथिंग दैट इज अ लाइफ. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. सो लाइफ की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है. मैं तो डांस भी करती हूँ, मैं तो गाना भी गाती हूँ, मैं तो पढ़ाती भी हूँ, मैं तो मूवीज भी देखती हूँ, मैं एंटरटेन करती हूँ, मैं सोती भी हूँ, सब ऐसा करते हैं. बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, यू हैव टू चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ 4. देखो चार ऑप्शन है, सबको दिख रहा है स्क्रीन पे, चारों तो सही हो नहीं सकते,
चारों गलत भी नहीं हो सकते हैं। तो इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, सबसे बेटर, सबसे एप्लीकेबल, सबसे वाइस आंसर, वाइस ऑप्शन कौन सा है? तो ये हम चूज कैसे करेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन में जो सबसे बेटर लगेगा, जो क्वेश्चन के साथ मैच करेगा, वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। चलो एक मॉलिक्यूल यहाँ है, इस मॉलिक्यूल का नाम मैंने रख दिया पी। ये मॉलिक्यूल मूव करता करता चलता 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 यू ही चला चल रहा ही, यू ही चला चल रहा ही, ये करते कहाँ चला गया, ये मॉलिक्यूल हमारा पहुंच गया इस पॉइंट पे। अब सपोज इस मॉलिक्यूल का नाम तो मॉलिक्यूल नंबर पी था, ये मॉलिक्यूल यहाँ चला गया, इसका नाम तो नहीं बदलेगा बट इसका पोजीशन बदल गया। सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यस सर, जो मैं ऐसे मुंडी हिला रही हूँ मतलब मेरा सर हिल रहा है, तो मॉलिक्यूल्स या जो भी एटम्स वगैरह है मेरी बॉडी में वो मूव कर रहे हैं। सेकेंड इज ग्रोथ। अच्छा, ग्रोथ होती है, आई वॉज अ लिटिल किड, देन आई ग्रोन अप, I became teenager, then I became adult, and after some time I will be in the category of senior citizen. Okay, so growth important है, growth भी हो रही है। Organization, everything is organized. It's not like that I am speaking something else and you are understanding something else. No, we have control and coordination system in our body. जो मैं बोलूंगी वो आपको सुनाई देगा, जब आपको सुनाई देगा तो वो आपको समझ में आएगा, जब वो आपको समझ में आएगा तो आप उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करोगे। तो सब चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में है, क्योंकि हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक है। वी आर नॉट जस्ट लाइक यू कैन से एनी अदर ऑर्गेनिज्म विच वी आर जस्ट सिंपली डूइंग थिंग सेंसलेस। नो, एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड इन आर बॉडी। द सेम ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कोऑर्डिनेशन। अब चारों में से फिर क्या होगा आंसर, अभी कैसे चूज करें, कैसे चूज करेंगे कि करेक्ट क्या है? हो तो चारों राय है इंपॉर्टेंट, चारों इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ है चारों। सो इसमें सबसे बेटर जो तरीका है वो मैं अब आपको बताती हूँ। ग्रोथ जो है ना बेटा, वो माउंटेन की भी होती है। देखो ऐसे ही माउंटेन बना दिया मैंने ऐसे कोनिकल शेप का, ऐसा होता नहीं है वैसे। चलो इतनी भी बुरी ड्राइंग नहीं करते हैं यार, बायो है, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, बायो के साथ गलत हो जाएगा। चलो थोड़ा थोड़ा ऐसे छोटा छोटा माउंटेन बना लेते हैं। ये माउंटेन है, माउंटेन नॉन लिविंग है, माउंटेन इज नॉन लिविंग। अब कुछ समय बाद इसमें बहुत सारा सॉइल, बहुत सारा रॉक मॉलिक्यूल, सैंडी पार्टिकल्स आके इसके ऊपर डिकम्पोज कर जाएंगे, तो ये जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पहले ऐसे था, अब ऐसे हो जाएगा। ओके, थोड़े समय बाद और चेंजेस होंगे, इवोल्यूशन होंगे, ये जो माउंटेन है हमारा ऐसा हो जाएगा। तो ग्रोथ तो माउंटेन की भी हो रही है एंड माउंटेन इज नॉन लिविंग, सो ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें अगर, तो ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो, अगर हम कोई नॉन लिविंग चीज़, सपोज हम कोई घर बना रहे हैं, या आर्ट और क्राफ्ट आपके क्लास में आई होप, मैं जब छोटी थी तो कराया जाता था हैंडवर्क, जिसमें आप कुछ भी बोट बना रहे हो, हट बना रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप जो इसमें ड्राइंग कर रहे हो, डेकोरेट कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज हैंडवर्क। ओके, तो वो उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज़ नॉन लिविंग। आप कोई भी, अभी आप अपने लिविंग रूम का सोफ़ा सेट लगा लो, आप सोफा लगा रहे हो, सेंटर टेबल लगा दे रहे हो, एक बहुत सुंदर सी सीनरी लगा दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी रूम को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। सो ऑर्गेनाइजेशन हम नॉन लिविंग चीजों का भी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहीं ना कहीं हम शो कर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लैपटॉप, मैं इस लैपटॉप में बोल रही हूँ, चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। अब ये रिकॉर्ड होके अगर मैं इस वीडियो को आपको भेज दूँ तो ये आपको मिल जाएगा, तो लैपटॉप इज अ नॉन लिविंग। सो कोऑर्डिनेशन तो इसमें भी है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, क्या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल नॉन लिविंग चीजों में होगा? नहीं होगा। फोर्सफुली हो सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है, कोई आर्टिफिशियल, कोई मैन मेड एफर्ट लग सकता है, लेकिन अगर आप सोचें कि इस लाइफ को जीने के लिए आप आर्टिफिशियली हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कराते रहें, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सबसे अच्छा एग्जांपल है डायलिसिस। चलो अब इससे समझ लेते हैं, डायलिसिस में क्या होता है, एक आर्टिफिशियल मशीन होती है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। तो जो पेशेंट होगा वो हफ्ते में दो बार, या डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ हिज किडनी, हाउ मच द किडनी इज डैमेज, वो उस हिसाब से डॉक्टर के पास जाएगा। बट क्या वो केवल डायलिसिस पे पूरी जिंदगी बिता सकता है? अच्छा क्वेश्चन है ना समझने के लिए। नहीं, तो फोर्सफुली हम कर सकते हैं, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम कर सकते हैं, बट यहाँ बात लाइफ की हो रही है, लाइफ हमेशा शॉर्ट नहीं होती है, लाइफ की अपनी एक लाइफ स्पैन होता है सब ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे बेटर जो ऑप्शन होगा
वो होगा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. ओके सो ये होगा करेक्ट ऑप्शन कि दैट एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, एक जगह से दूसरी जगह. अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. जॉब ऑफ मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग बीइंग्स इज परफॉर्म्ड बाय. एक बार फिर से सारे बच्चों से मेरा निवेदन है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें. जॉब ऑफ मेंटेनेंस, सबके पास एक जॉब है ना, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़ रहे हो, वी आर डूइंग आवर जॉब. हर इंसान आया है दुनिया में अपना काम करने के लिए. जॉब ऑफ मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग बीइंग, जो लाइफ प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी में, जो लिविंग बीइंग के अंदर लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो परफॉर्म्ड बाय. देखो मैंने तो आंसर भी बोल दिया, ये कोई भी वो होगा वो आंसर, क्योंकि यही तो हमारा चैप्टर का नाम है. जॉब ऑफ मेंटेनेंस फंक्शन, मूवमेंट में केवल देखो एक दो चीज मूव करेगी. ग्रोथ में ऐसे से ऐसे हो गया, थोड़ा सा ग्रो कर गया. रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म मिलके एक ऑर्गेनिज्म न्यू बना दिया, बट वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना है वो अपना कैसे मेंटेन करेगा लाइफ. फॉर एग्जाम्पल आप एक मोबाइल खरीद के लाते हो तो उसके साथ आपको एक मिलता है चार्जर. क्या क्यों मिलता है चार्जर बेटा? एक बार मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, फिर हम उस चार्जर को लगा के उस मोबाइल को फिर से चार्ज करके अपना काम कर सकें. तो सिमिलरली इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा चार्जर है ना हमारी बॉडी का, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस होता रहेगा, ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ सस्टेन करता रहेगा. ओके वेरी इजी. अगर जिसको बोर हो रहा हो तो वो ये भी बोल सकता है, मैम बहुत बोर हो रहा है, मजा नहीं आ रहा. आप वीडियो को बीच में पॉज भी कर सकते हो. ओके इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हाँ तीसरा क्वेश्चन सब लाइफ प्रोसेस से ही है. देख लो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज रिक्वायर्ड इन. अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो मूविंग सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. और इसकी जरूरत किसको पड़ती है? पहले तो मैं लिख दूं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि अरे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, मैम क्वेश्चन ही नहीं देखे फिर मिसक्लिक कर गए. ऐसा नहीं होना चाहिए. सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिक्वायर्ड इन. अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेचारे एक सेल के बने हुए हैं, उनको क्या ही चाहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम? सपोज मेरा मुझे जाना है यहाँ से बगल वाले घर में, मैं गाड़ी करके जाऊंगी, आई विल गो बाई वॉकिंग. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बस एक सेल का बना है ना बेचारा, तो उसको सिस्टम विस्टम की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ सफिशियंट है. सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग. सिंपल ऑर्गेनिज्म में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, इतने ज़्यादा ऑर्गेन्स की जरूरत नहीं होती है. तो ये तो ऑप्शन हमारा गया, टाटा बाय बाय. सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, चलो मल्टी सेलुलर है बेटा, बहुत सारे सेल्स हैं मल्टी, बट फिर भी ये सिंपल है. तो ये वाले जो यूनिसेलुलर हैं ये भी सिंपल थे, ऑप्शन बी भी सिंपल है, तो ये भी कट गया, क्योंकि ये दोनों कैसे कर लेंगे अपना गुजारा, जिंदगी का गुजारा कैसे करेंगे? बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन से इनकी जिंदगी चलती रहेगी, चीजें आती रहेंगी, चीजें जाती रहेंगी, इंपॉर्टेंट थिंग्स आएंगे, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे, CO2 ऑक्सीजन सब कुछ आना जाना इनका डिफ्यूजन से काम चल जाएगा. अब ऑप्शन नंबर सी कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं ना वहीं पे सारा प्रॉब्लम शुरू होता है. कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स मेक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेन, और वहाँ पे फिर होता है एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है. और हमारा अंडरस्टैंडिंग सिस्टम है, अगर प्लांट हो गया तो हो गया जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि प्लांट भी वो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, जाइलम एंड फ्लोएम. जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी है वहाँ एक सिस्टम की ज़रूरत है भाई, नहीं तो फिर काम नहीं चल पाएगा. और प्लांट के अलावा अगर हम एनिमल की बात कर लें, जैसा कि हम खुद भी एक एनिमल है, तो हमें चाहिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें प्रॉपरली होगा, ब्लड होगा, ब्लड वेसल्स होंगे, फिर लिम्फ होगा, RBC, WBC ये सब होगा. ऑल ऑफ द अबव तो कहीं से भी नहीं होगा. तो कैसे हुआ? कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम है उसको चाहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम. आ रहा है समझ में? या ऐसे ही लग रहा है कि मैम बस कुछ भी बोले जा रही हैं यार, ये तो कुछ भी, इसको समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ भी ऑप्शन बता दे रही हैं.
चलो आज आते हैं पांचवी क्वेश्चन की तरफ। हम 10 क्वेश्चन करेंगे एक बार में ताकि किसी को लोड नहीं फील होगा। स्लोली 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 हम ये पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। चलो ये क्वेश्चन तो इन सिंपल ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू, यहाँ पे थोड़ा सा ये अकर्स जो है छिप गया है मेरी फोटो की वजह से, बट मैं बोल दे रही हूँ। इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू, अब ये इसका आंसर तो पिछले क्वेश्चन में ही था। देखो सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, क्वेश्चन को घुमा ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। जैसे नाक को ऐसे पकड़ते हैं और बहुत लोग ऐसे घुमा के पकड़ते हैं, ठीक है दो सेम चीज है। अब सिंपल है भाई ऑर्गेनिज्म, मैंने बोला था सिंपल चीजें जो होती है ना उनको बहुत ज्यादा सिस्टम विस्टम की जरूरत नहीं होती, उनकी लाइफ बहुत सिंपली चलती है, सादा जीवन उच्च विचार। तो इनको क्या होगा, इनको बस इनका डिफ्यूजन में ही काम चल जाएगा, इनको कुछ जरूरत ही नहीं है, ना इनको ऑस्मोसिस करना है ना इनहिबिशन, ऑल ऑफ द अबव तो कहीं से भी नहीं होगा। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स नॉट वेस्ट आर टाइम बिकॉज टाइम इज प्रेशियस। मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 5, ऑटोट्रॉपिक। ऑटो वो चलने वाला ऑटो नहीं, ऑटो मतलब सेल्फ, आई एम ऑटो डिपेंडेंट, मैं आई एम सेल्फ डिपेंडेंट। सो सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स डिराइविंग, ऑटोट्रॉपिक सेल्फ डिराइविंग न्यूट्रिशन, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको खाने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करना है हमारे जैसे, दैट आज आएंगी मम्मी या आज मैं क्या बनाऊँ, आज चलो मेरा मन कर रहा है राजमा खाने का तो ये बनाना, नो इज ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में। ऑटोट्रॉपिक मतलब वो खुद ही बना लेंगे और एक ही खाना खाएंगे, उनका एक ही सोर्स है, दे डोंट हैव मेन्यू कार्ड। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फंजाई में तो बेटा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि फंजाई के पास नहीं है क्लोरोफिल, हमारे इनके पास क्लोरोफिल की कमी हो गई है। और क्लोरोफिल ही कुछ ऐसा ग्रीन 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 पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स में होता है, प्लांट्स के लीव्स में पाया जाता है, और क्लोरोफिल एक स्पेशल ऑर्गेनल में होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट विल बिकम किचन ऑफ द सेल, यहाँ पे खाना पकेगा। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फंजाई में नहीं होगा क्योंकि फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होते हैं, जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो कैसे खाना बनेगा, जब गैस ही नहीं है तो खाना कैसे बनेगा। दूसरा आ गया प्लांट, प्लांट में तो मैंने बताया ही कि ग्रीन ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, चलो ये हम ऑप्शन सही समझ सकते हैं, बट तब तक जब तक हम सारे ऑप्शंस को वाइजली देख समझ ना लें। अब ऑप्शन सी पे आ जाते हैं, सम प्रोटिस्टा एंड प्रोकैरियोट। अब यहाँ पे थोड़ा सा होगा कंफ्यूजन, अब जिन बच्चों को नहीं पता होगा प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट क्या है, क्या इनके अंदर कैसा न्यूट्रिशन होता है, वो तो फिर क्वेश्चन गलत कर दिए ना, फिर उनका तो हो गया भंटा ढार। तो इसीलिए बोलते हैं कि सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, ऐसे आंखों को ऐसे खोल खोल के, ऐसे आंखों के साथ ऐसे दिमाग को भी खोल लेना है। अब ऑप्शन नंबर सी है, सम प्रोटिस्ट एंड प्रोकैरियोट। जी हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गा जो होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, ये भी क्या करेगा, ये खुद से फूड अपना प्रिपेयर कर लेगा, ये भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप पढ़ाई करोगे। सो इस बेसिस पे हमारा ऑप्शन बी भी सही है और सी भी सही है, तो सबसे हम वाइजली कौन सा ऑप्शन चूज कर लेंगे, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब जो खाना बन गया, अब उसकी बात हो रही है, देखो धीरे 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 कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो हमने पढ़ा कि क्या होता है लाइफ, क्या होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, क्या होता है लाइफ प्रोसेस, अब लाइफ प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, लेटर बाय लेटर, जैसे हमारा वीडियो है स्टेप बाय स्टेप आता जाएगा, उसी तरह से हमारे देखिए क्वेश्चंस भी हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, कदम 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 बढ़ाए जा मंजिल की तरफ, अपना मस्तिष्क बढ़ाए जा। सो कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ प्लांट, अब देखो खाना तो बना लिया प्लांट ने, कौन सा न्यूट्रिशन करके, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करके, अपना खुद का गैस है, अपना खुद का क्लोरोफिल है, फूड प्रिपेयर हो गया। अब जो फूड प्रिपेयर हुआ है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। सो जो फूड प्रिपेयर हुआ है प्लांट में, जो कि रिजर्व फॉर्म में है, सपोज अगर आपको भूख लग गई और आपने खाना ऑर्डर किया और खाना बहुत ज़्यादा आ गया, ज़्यादा कैसे हुआ, आपने थोड़ा सा खाया, टमी फुल हो गया, बट
खाना बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप क्या करोगे, यू विल स्टोर इट इन द रेफ्रिजरेटर। ऑब्वियस सी बात है, आप उसको रेफ्रिजरेटर में अपनी स्टोर कर दोगे कि कुछ समय बाद मैं खा लूँगा, दैट इज़ माई रिजर्व फूड मटीरियल। सिमिलरली जो प्लांट्स होंगे वो भी जब अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, दे विल नॉट ऑलवेज प्रिपेयर फूड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट, दे विल ऑलवेज मेक द फूड इन अबंडेंस, इन यू कैन से इन इनफ क्वांटिटी। सो वट एवर क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड दैट इज कंज्यूम्ड बाई द प्लांट, एंड द एक्स्ट्रा वन दैट इज नोन एज रिजर्व फूड मटीरियल वो हो जाएगा सेव, वो हो जाएगा स्टोर। अब वो स्टोर किस फॉर्म में होगा, ये है हमारा क्वेश्चन। स्टार्च के फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा, फैट होगा या सेलुलोज। तो अब ये तो बहुत ईजी है बेटा, देखो फैट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, तो ये तो पहले ही चला गया ऑप्शन, चलो निकल जाओ तुम। सेलुलोज जो हमारा होगा वो कार्बोहाइड्रेट तो है, बट ये जो है ना ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि ये जो होगा इस ये फूड में स्टोरेज का मतलब कॉम्बिनेशन नहीं करेगा। सेलुलोज जो होगा वो फाइबर्स में पाया जाता है, तो ये प्लांट में फूड स्टोर के फॉर्म में नहीं होगा। अब दो यहाँ पे कंफ्यूज, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जितने बच्चे हैं ना टेंथ ग्रेड वाले और उससे जितने भी ये चैप्टर्स पढ़ते हैं वो सारे इसी दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, और यही तो सबसे मज़ेदार बात है कि इसी को तो सीखना है। तो पहला ऑप्शन हो गया स्टार्च, दूसरा हो गया ग्लाइकोजन। अब स्टार्च जो होगा वो करेक्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन इज स्टार्च। कैसे वो करेक्ट होगा, क्योंकि देखो स्टार्च जो होगा वो रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट होगा, ये हमने पढ़ा है अपनी बुक में, ये एनसीईआरटी में दिया है, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लिखा गया है बुक में कि स्टार्च होगा। ग्लाइकोजन से क्यों बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट रिजर्व होगा, लेकिन ये हमारे अंदर होगा और एनिमल्स के अंदर होगा, ह्यूमन, जो कि जाके किस में स्टोर हो जाएगा, लीवर में। सो अगर क्वेश्चन आया द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ एनिमल इज, तब हमारा ऑप्शन होगा ग्लाइकोजन, बट क्वेश्चन तो है प्लांट का तो होगा स्टार्च। देखो एक ही क्वेश्चन में मैंने दो आंसर बता दिए, दो पॉसिबिलिटीज बता दी, ठीक है। तो वन बाय वन एवरी क्वेश्चन हैव सो मैनी कॉन्सेप्ट, अगर ध्यान से जो वीडियो को देखेगा, जो ध्यान से पढ़ाई करेगा वो थोड़ा ही पढ़ के थोड़ी ही चीज़ों को पढ़ेगा, बट उसका दिमाग क्या होगा, इस पर भी जाएगा उस पर भी, कि अच्छा ये इसमें हो रहा तो ये वाला प्रोसेस उसमें होगा, तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, टू इन वन हो जाएगा, ओके। उसके बाद आ जाते हैं, देखो कितनी इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसे लग रहा है कहीं कि बहुत टफ है बोर्ड ना, पीस ऑफ केक। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, फोटोसिंथेसिस। भाई यही तो बात है, यही तो मेन प्रोसेस है जिसके वजह से होना है फोटोसिंथेसिस, C6H12O6। अब इसमें क्या होगा, जो C6H12O6 है वो तो हमारा हो गया ग्लूकोज, अब ये रिलीज कर देगा ऑक्सीजन, ठीक है, और उसके बाद जो है इसको प्लस हटा देती हूँ, इसको ज़रूरत होगी क्लोरोफिल की और इसको ज़रूरत होगी सनलाइट की। अब फोटोसिंथेसिस प्लांट में हो रहा, फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से प्लांट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा। अब ये है साइट पूछ रहा है, साइट का मतलब क्या है, लोकेशन, कि कहाँ होगा फोटोसिंथेसिस। लीव तो मैंने बताया, बट एक्चुअल ऑर्गेनल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, डिक्टियोसोम्स। करेक्ट ऑप्शन इज क्लोरोप्लास्ट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्वेश्चन। देखो बायो ना एकदम से हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो अगर एक लाइफ प्रोसेस आप पढ़ोगे तो दूसरा लाइफ प्रोसेस उस पर एकदम डिपेंडेंट है या कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। सो क्लोरोप्लास्ट होगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास होगा क्लोरोफिल, दैट इज अ ग्रीन पिगमेंट, जस्ट बिकॉज बहुत सारा क्लोरोफिल है क्लोरोप्लास्ट के पास, तो क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल, वहीं पे होगा फोटोसिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसका मेन रोल होगा रेस्पिरेशन में जब हम पढ़ेंगे। ल्यूकोप्लास्ट तो प्लास्टिड है जो कि कलरलेस है ना गाइज, सो इट इज अ कलरलेस प्लास्टिड, लेट मी राइट इट डाउन, कलरलेस प्लास्टिड है, तो ये क्या करेगा, स्टोर करेगा स्टार्च को, और किसको स्टोर करेगा, ऑयल ग्लोब्यूल्स को स्टोर करेगा, इसका काम है स्टोरेज का, ये होता है बिल्कुल कलरलेस। डिक्टियोसोम्स, ये तो राइबोसोम और गॉल्गी बॉडी वाला पार्ट हो गया, इससे तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो जो फोटोसिंथेसिस होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट, सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, सी फॉर क्लोरोफिल, ठीक है, आ गया सी फॉर क्लोरोफिल, सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, दिस इज अ स्मॉल ट्रिक टू रिमेंबर, वैसे ही सबको पता होगा, ग्रेड 6 से पढ़ रहे हो आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, ये हो गया भाई, इसमें तो कुछ नीट के भी हैं, इसमें कुछ ओलंपियाड वाले कॉन्सेप्ट भी आ गए, इसमें कुछ एनटीएससी वाले भी कॉन्सेप्ट आ गए। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो कॉम्पिटिशन में भी पूछ लेगा लाइफ प्रोसेस से, क्योंकि इसमें थोड़ा दम है। आ देखें जरा किस में कितना है दम, तो ये क्वेश्चन वही बोल रहा है कि आओ चलो देख लेते हैं कि कितने बच्चे, बड़ा बायोलॉजी को बोलते हैं ना बड़ा हलवा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इजी है, बस रट ही तो लेना है, बस याद ही तो कर लेना, उसके बाद जाके सब छपाई कर देना है। तो अब ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो बायो को मन से पढ़ते हैं। अब ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, पहले तो मैं लिख दूँ फोटोसिंथेसिस का भाई फॉर्मूला, ये तो बहुत ज्यादती हो जाएगी ना इसके साथ। 6CO2 + 6H2O प्लस इसको हम क्या करेंगे, हम बनाने वाले हैं फूड, हम नहीं प्लांट बनाएगा, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में जो फूड होगा वो किस स्टोरेज फॉर्म में, अभी तो ये ग्लूकोज है बट जब ये स्टोर हो जाएगा, जब बहुत सारा ग्लूकोज बन जाएगा तो ये हो जाएगा स्टार्च। और ये रिलीज करेगा कौन सा गैस, ऑक्सीजन। अब जब ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा ना, जब प्लांट ऐसे करेंगे ब्रीद आउट, तो प्लांट ने क्या ब्रीद आउट किया, ऑक्सीजन, और हम क्या करेंगे उसी ऑक्सीजन को हमने ब्रीद इन कर लिया है, तो होगा क्या कि ये ऑक्सीजन जो है ना, ये प्लांट के लिए तो वेस्ट है प्लांट, बट हमारे लिए है ये यूजफुल। तो ये ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है, तो ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, अब या तो 6CO2 से आए या तो वाटर से आए, यही तो क्वेश्चन है, इसी यही तो आपको बताना है। तो देखो डिक्टियोसोम्स तो गया भाड़ में, इसको हटा देते हैं, ये तो अननेसेसरी ऑप्शन है। ग्लूकोज तो हमारा मेन फूड है, तो ये बाहर क्यों जाएगा, यही तो चाहिए प्लांट को, यही तो एनर्जी है, तो ये तो उसमें ही रहेगा, प्लांट में ही रहेगा, तो ये ऑप्शन भी इस क्वेश्चन के लिए नहीं सही है। अब दो बचे दमदार ऑप्शन, हमेशा कंपटीशन में फिनाले तक देखो दो लोग पहुंचते हैं, चाहे कोई भी आप रियलिटी शो देख लो, दो लोग रहते हैं, पॉलिटिक्स में भी देखो दो लोग, अगर दो लोग में ना मैं से कांटे की टक्कर रहती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अब इसमें से दिमाग लगाना है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये चला जाएगा ग्लूकोज बनाने, CO2 gets reduced to make carbohydrate. Carbohydrate कौन सा है, ग्लूकोज है। अब बचा वाटर, सो वाटर होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब ये जो करेक्ट मैं बोल रही हूँ ना, करेक्ट है ये, करेक्ट है, अब आप कहोगे मैम कैसे करेक्ट है, तो ये जो वाटर है ना, इसकी होगी फोटोलिसिस, क्या होगी वाटर की, वाटर की हो जाएगी भाई फोटोलिसिस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटो मीन्स लाइट, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, सो ब्रेक डाउन होगा वाटर का किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंट में, प्रेजेंस में, सो ये बनेगा H+OH-, मतलब हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ब्रेक होके बनेगा, जिसमें से आप समझ लो कि ऑक्सीजन तो बॉडी के बाहर आ जाएगा, जो H2O में जो H है और जो ऑक्सीजन है, अगर मैं ऐसे लिख दूँ सीधा सीधा, वाटर टूटेगा हाइड्रोजन में और आएगा ऑक्सीजन। देखो एकदम दिमाग लगा के देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, तो हाइड्रोजन जो होगा ना वो तो चला जाएगा क्या बनाने, कार्बोहाइड्रेट बनाने, किसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड के पास चला जाएगा हाइड्रोजन, ये लोग मिलके क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे, जो कि हमारा है ग्लूकोज, जो कि हमने डिस्कस भी किया है। बच्चा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आना है बाहर क्योंकि वो है वेस्ट मटेरियल। तो जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ ना फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ से हुआ, वो हुआ वाटर मॉलिक्यूल से। एकदम इस बात को गांठ जोड़ लेना है, ऐसे दिमाग में ऐसे भर के ना, ऐसे लॉक लगा देना, जैसे आप लोग अपने मोबाइल फोन में लॉक लगा देते हो कि अच्छा कोई मैसेज आएगा, कोई भी नया नोटिफिकेशन है, बस मुझे पहले दिखना चाहिए और किसी को दिखना नहीं चाहिए, उसके लिए आप क्या करते हो मोबाइल में लगाते हो लॉक। एकदम उसी तरीके से दिमाग में आपको ये वर्ड कि ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर, इस चीज को लॉक लगा देना, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले थोड़ी सफाई कर लूं मैं बोर्ड की अपनी, नहीं तो हो जाएगा कंफ्यूजन बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, अब हमने न्यूट्रिशन कर लिया, न्यूट्रिशन का हमने कर लिया जो भी हमें करना था, जितना भी हमें पढ़ना था, हम और भी आगे पढ़ेंगे क्योंकि अभी ये सीरीज जारी रहेगी। तो अब रेस्पिरेशन पे आ जाते हैं, रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है सबको पता होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ATP सिंथेसिस अकर्स इन, रेस्पिरेशन है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है,
इनहेल एक्सहेल सब कुछ करेंगे, जो ऑक्सीजन जाएगा अंदर वो क्या करेगा, फूड फूड को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके उससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तो एटीपी जो है वो एनर्जी है। ओके अब क्वेश्चन समझ लिया, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एटीपी सिंथेसिस अकर्स इन, कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, डिक्टियोसोम। अब मैं बताऊंगी कैसे गलत आंसर्स को रफा दफा करना है, कैसे हम गलत वालों को भगाएंगे। देखो पहले तो क्लोरोप्लास्ट गलत, क्योंकि ये प्लांट में होता है। हम यहाँ पे बात करें ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एटीपी सिंथेसिस अकर्स इन, तो यहाँ पे हम क्लोरोप्लास्ट को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो थोड़ा खाना वाना बनाएगा, किचन ऑफ द सेल, इसका एक ही ड्यूटी है भाई, ये किचन है। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड हैं, इनका कुछ रोल नहीं है एटीपी में। डिक्टियोसोम्स भी नहीं है, ये राइबोसोम्स फ्रीली वाले होंगे, तो बचा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको आप समझ लो, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सब बच्चों को पता है, इसमें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने बच्चे मेरे समझदार हैं, मुझे पता है। तो एटीपी सिंथेसिस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जब हो जाएगा ना एटीपी सिंथेसिस, तो इसीलिए तो उसके बाद बहुत सारे एटीपी हो जाएंगे, बहुत सारे एटीपी हो जाएंगे, तो जब बहुत सारा एनर्जी हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसी से पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं पावर हाउस, क्योंकि उसके पास है बहुत सारे एनर्जी मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज एटीपी। सो इजी, एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, कुछ एक्स्ट्रा भी हम पढ़ते चले ना, जब पढ़ ही रहे हैं तो कुछ फुल फॉर्म याद कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, मशरूम राइजोपस एंड ईस्ट आर कीमोसिंथेटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक। अब इसमें आपको चूज करना, ये सब है क्या, मशरूम तो सबने देखा ना, ऐसे थोड़ा सा ऐसे अच्छा सा सुंदर सा बना देते हो ना डायग्राम, बड़ा अच्छा मन करता है बायो में डायग्राम्स ना अच्छे अच्छे बने, सबको ऐसे ही बनाना है बोर्ड में। देखो ये मशरूम हो गया, राइजोपस हो गया, राइजोपस को हम क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड्स कहते हैं, अगर आपको याद हो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, ईस्ट होता है। अब ये सब है क्या, ये सब कीमोसिंथेटिक है, केमिकल एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं, नहीं ये क्वेश्चन गलत है। पैरासिटिक है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट तो हैं, बट ये ब्लड सेक नहीं करते हैं, ये जो है हमारा फ्रेश फूड नहीं। पैरासिटिक क्या होते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे और वो या तो ब्लड को सक करेंगे या तो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाके उनका सेल्स को खा लेंगे, ठीक है। तो मशरूम ऐसा भी नहीं करते हैं, राइजोपस ऐसा भी नहीं करते हैं। होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ह्यूमन का होता है ना, एच फॉर ह्यूमन, एच फॉर होलोजोइक। देखो एक ट्रिक और मिल गई, वहां सी फॉर क्लोरोफिल, सी फॉर क्लोरोप्लास्ट मिला था, यहाँ एच फॉर ह्यूमन, एच फॉर होलोजोइक मिल गया। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, ऐसे इजिली हो जाएगा सारा पेपर। तो ये भी ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन गलती, आउट। अब हमारा बचा लास्ट सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब ऑर्गेनिज्म जो होगा ना वो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड निकालेगा, रॉटन मटेरियल से अपना फूड निकालेगा। तो जो मशरूम राइजोपस और ईस्ट होते हैं ये तो होंगे डिपेंडेंट दूसरे पे, क्योंकि इनके पास तो क्लोरोफिल तो है नहीं कि अपना खाना खुद बनाए। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब खुद नहीं बना पा रहे हैं तो जिंदा रहने के लिए दूसरों पे तो निर्भर रहना पड़ेगा। तो किस पे निर्भर रहना है, किस पे डिपेंड करना है, वो है डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म, रॉटन मटीरियल, और इस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सैप्रोफिटिक। तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। आई होप ये वीडियो सबको समझ में आया होगा। आप दिन के किसी भी टाइम में जस्ट बैठे हुए हो, ऐसे ख्याल आ रहा है कि यार बायो का ये वाला चैप्टर तो देखा ही नहीं, यही चैप्टर तो पढ़ना यार बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी समय यूट्यूब पे जाके इस वीडियो को क्लिक करके, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, बहुत ज़्यादा हुआ जो बच्चे पहले से मेरे समझदार हैं उनको तो 5 मिनट लगेगा, जिनको थोड़ा सा डाउट है उनको हो सकता है 10 मिनट लगे, उसमें आपका 1/4 या एक पार्ट चैप्टर का, जैसे न्यूट्रिशन है वो हमने इसमें कंप्लीट कर दिया है, थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन भी कर लिया, थोड़ी सी चोरी की है ना हमने, थोड़ा सा रेस्पिरेशन का भी इंट्रो कर लिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, इन नेक्स्ट वीडियो वंस अगेन आई विल मीट विद यू विद अनदर 10 questions। ओके टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।